दोस्तों स्टडी 91 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड रचना का पार्ट टू। ठीक है, वर्ड रचना का पार्ट वन आ चुका है। हिंदी विषय आपको पढ़ाया जा रहा है और जो भी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से नए नए प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। आइए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको पीछे की क्लास याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वर्ड रचना क्या होता है, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था और उसमें भी उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे किन किन हिस्सों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है, इसके अलावा संयुक्त क्या होता है, यह सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्वर के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, यह भी हम लोगों ने पढ़ा। जैसे उदित व्यंजन क्या होता है या स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा आगे चल के अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन क्या होता है, ठीक है, शहीद वर्ण क्या होता है, मतलब बहुत नई नई चीजों को देखा। तो कुल मिला जुला करके ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे हमसे तो हिंदी में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, आप हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमको दो टॉपिक कवर करना है, एक वायु संवेग के आधार पर वर्ड कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, और उसके बाद तारत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो वायु संवेग के आधार पर ही आज हमारा क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट है आज का। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ करके, एकदम अलर्ट हो जाइए। देखिए कह रहा है वायु संवेग के आधार पर जो वर्ड है इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक का नाम दिया गया अल्प प्राण, दूसरे का नाम दिया गया महाप्राण। बहुत सिंपल, एकदम आराम से समझिए, वायु संवेग के आधार पर वर्ड को कितने हिस्से में बांटा गया, दो हिस्सों में बांटा गया। पहले आप छोड़ो, पहले आप ये समझो कि वायु संवेग का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब है ये जो दोनों कैटेगरी बटी हुई ना, इसमें प्रत्यक्ष रूप से वायु का क्या है शामिल है, यहां पर इन्वॉल्व होगा। कैसे है सुनिए, इसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक का नाम दिया गया अल्प प्राण, दूसरे का नाम दिया गया महाप्राण। आपके माइंड में आया होगा सर अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। दोस्तों यहां पर दो शब्द है, आप देख पा रहे हो, एक शब्द है अल्प, दूसरा शब्द है प्राण, और अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। अल्प माने कम, प्राण माने हवा। प्राण को क्या कहा जाता है, हवा को क्या कहा जाता है, प्राण। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से आप क्या है, जिंदा है, जीवित है, तो प्राण। वायु को क्या कहा जाता है, प्राण वायु कहा जाता है। तो यहां पर प्राण का सेंस क्या है, वायु से है। अल्प मतलब थोड़ा, यानी थोड़ी या थोड़ा वायु, और अगर महाप्राण कर दिए मतलब ज्यादा वायु। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, ऐसा वर्ड जिनका उच्चारण करने में कम हवा या थोड़ी हवा छोड़ी जाए उसको अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें ज्यादा हवा छोड़ी जाए उसको क्या बोलते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने बोला क, आप बोल के देखो, ये मत पढ़ो, ठीक है, इसको छोड़ो, आप बोल के देखो क ख क ख, तो क में जितना हवा मुंह से निकल रहा है उससे ज्यादा हवा जो है वायु वो ख के बोलने में बाहर आ रही है, तो क ख ग घ। समझ रहे हैं? यानी देखिए एक एक स्टेप के बाद, क में कम हवा, ख में ज्यादा हवा, ग में कम हवा, घ में ज्यादा हवा, अंग में फिर से कम हवा। समझ रहे हैं? तो ये जितने कम हवा वाले हैं, कम वायु जहां निकलती है उसी को अल्प प्राण कहा जाता है, जहां ज्यादा वायु निकलती है उसी को महाप्राण कहा जाता है। तो एक निष्कर्ष पर दोस्तों हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, और वो निष्कर्ष क्या है, आगे देखिए यहां पर दे रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियां किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिए हमारे हिंदी वर्णमाला का पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम, पहला तीसरा और पांचवा, मतलब क्या, अरे पहले वाले कॉलम में क कहा था आपने ना, और दूसरे वाले में तो तेज हवा उसको छोड़ दिए, तीसरा ग था उसको ले लीजिए, चौथा घ है तेज हवा है छोड़ दीजिए, फिर अंगा था। यानी आपको क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो तीनों कॉलम है दोस्तों यहां पर कौन कौन से, एक तो पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा ये जो वर्ड होते हैं ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। जैसे पहला वाला लाइन अगर आप पढ़ेंगे क ख ग घ अंगा,
होगा तो वहां पे पहले पे क आएगा, ग तीसरे पे आएगा, अंगा पांचवें पे आएगा। इसी तरह से च ज इया ट ड अड त द न और प ब म, ये एक तीन पांच पे जो स्थिर होते हैं, एक तीन और पांच पे जो स्थिर होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नाम दिया जाता है अल्प प्राण का। गलती नहीं करेंगे ना। अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है, बताइए कौन सा अल्प प्राण है। ऑप्शन दे दिया प फ थ छ ख, तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण मतलब जहां से कम हवा है, यानी जो पहला तीसरा या पांचवा में आ जाए, तो प जो वर्ड है ये पहले वाले कॉलम में आता है, इस वजह से अल्प प्राण क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं मेरे भाई, बस कम हवा ज्यादा हवा इतने का तो खेल है। वायु संवेग का मतलब यही होता है, वायु संवेग का मतलब यही होता है। समझ में आ रहा है आपको, ये चीज आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिए अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण में दो चीजों को लिया जाता है, जैसे क से लेकर के म तक की चीजें तो मैंने आपको बता दिया, क से लेकर के म तक में क्या क्या, एक तीन पांच, लेकिन इसके बाद जो यर लव सख सह क्षत्रज्ञ है ये चार चार वर्ड में लिखे जाते हैं। समझ में आ रहा है, जब कभी आप क ख ग लिखेंगे तो क ख ग घ अंगा पांच होता है, च छ ज झ इया पांच होता है, ट ठ ड ढ ड पांच होता है, त थ द ध न पांच होता है, प फ ब म, इतने स्पर्शी होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं, 25 होते हैं टोटल, मूल कितने होते हैं 16 होते हैं, कल ही पढ़ाया था आपको, और फिर य र ल व चार ही हुआ ना, और फिर उसके नीचे स ख स ह फिर से चार हुआ, फिर छ त्र ज्ञ ठीक है तीन, तो ऐसे करके लिखा जाता है। तो य र ल व जो है दोस्तों ये भी अल्प प्राण कहा जाता है, य र ल व अल्प प्राण, श ख श ह ज्यादा हवा, स ख श ह याद नहीं करना है, सेंस पे जाओ, याद मत करो, कितना याद करोगे मेरे भाई, कितना याद करोगे, एकदम सेंस पे जाओ, इत्मीनान से सोचो, मन को शांत रख के। अल्प प्राण महाप्राण, वायु संवेग के आधार पर दो प्रकार, अल्प प्राण महाप्राण, जहां कम वायु निकले जहां ज्यादा वायु निकले, कम वायु निकलता है तो अल्प प्राण, ज्यादा वायु निकलता है तो महाप्राण। ऐसे इत्मीनान से मन और चित्त को शांत करके पढ़ो, ठीक है। आपको हर हाल में क्वेश्चन सही करना है, गलत एक भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए इतना मेहनत करके पूरी स्लाइड बनाकर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि आप मेहनत करो, एग्जाम में आपको रैंक लानी है। रैंक हमको पास होने से मतलब नहीं है, वैसे भी सिलेक्शन मेरे यहां से हो जाता है, लेकिन मुझे रैंक चाहिए, रैंक, और रैंक मुझे आप दिलाओगे, इसके लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, रैंक दिलाने का काम आपका है। आप बस खाली मेरे साथ जुड़े रहो, तैयार रहो, एक नंबर भी कम नहीं होने दूंगा हिंदी में, एक नंबर भी कम नहीं होने दूंगा। तो कुल मिला जुला के निकला क्या उत्तर दोस्तों, य र ल व को भी अल्प प्राण कहा जाता है, और कल ही मैंने बताया था य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर से निकलते हैं, इसमें वायु क्या होती है, अंदर की तरफ निकलते नहीं, अंदर की तरफ वायु जाती है, य र ल व, और फिर जब बाहर आती श ख श ह उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन में क्या होती है, गर्म हवा शरीर से बाहर आती है। समझ में आ रहा है, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा और ये है अल्प प्राण। और इसके साथ साथ याद रखिए य र ल व बार बार एकदम रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, यानी यहां एक तीन पांच यर लवर ये क्या है, ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं महाप्राण की तरफ, कुछ ज्यादा नहीं याद करना है, जहां से ज्यादा वायु बाहर आए महाप्राण, किस में आ रहा था, क के बाद ख में आ रहा था, यानी जो दूसरा वाला कॉलम है और जो चौथा वाला कॉलम है ये महाप्राण है, दूसरा और चौथा कॉलम क्या है, महाप्राण है। लोग रटते हैं, लोग रटते हैं, रटना नहीं है, आप देखो कहां ज्यादा हवा आ रहा है, तो ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ म, ठीक है। तो याद रखिए ज्यादा हवा आता है, दूसरा और चौथा कालम जो है ये महाप्राण कहे जाते हैं, इनको महाप्राण ध्वनिया कहा जाता है। साथ ही साथ स ख स ह, जहां वो लास्ट वाले थे जिनको उफ्र व्यंजन कहा जाता है, वो भी कहां आते हैं, उनको भी महाप्राण में रखा जाता है। तो स ख स ह याद रखिए दोस्तों, प्रत्येक स्वर, अगर आपसे कोई पूछ दे जो स्वर है सर अ आ ई सर, ये भी क्या इसमें आते हैं क्या, अल्प प्राण या महाप्राण, तो याद रखिए प्रत्येक स्वर वर्ण न तो अल्प प्राण है न ही महाप्राण है, कभी भी याद रखिए, न तो अल्प प्राण है न तो महाप्राण है, स्वर से कोई भी लेना देना नहीं है, स्वर शब्द जो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण जो होते हैं, उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो वो अल्प प्राण होते हैं ना ही वो महाप्राण होते हैं। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना ये इसका नोट्स आपको दे दिया गया, अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए study91.co.in, वहां पूरी हिंदी की वेबसाइट पे जो है पूरी हिंदी रखी हुई है, उसका क्लास नोट्स रखा हुआ है, वहां से जाकर आप क्लास नोट्स ले लीजिए और सामने ऐसे क्लास नोट्स रख लीजिए, और उसके बाद आप सामने क्लास लेते रहिए, सारी बातें आपके दिमाग में ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, एकदम घुस जाएगा आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस शेयर करने की
जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर आज आपको याद हो गया है और आप यहां से सही क्वेश्चन कर सकते हो तो बस उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं होता है तो तब तक सब्सक्राइब मत करो जब तक मैं उस लायक नहीं हो जाता हूं। मैं तो ताल ठोककर कहता हूं कि जब तक मैं उस लायक नहीं हूं तब तक आप हमें सपोर्ट मत करिए। जिस दिन आपको लगता है कि मेरी हिंदी मजबूत हो गई है और इसका वजह या इसका श्रेय नितिन सर को दिया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका योगदान है, उस दिन दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइएगा ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आगे बढ़ते हैं तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर कितने होते हैं? यहां भी दो तरह के होते हैं सर। एक तो आपने उच्चारण के स्थान पर बताया, तो उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, तो आपने कंठ पढ़ा था, तालु पढ़ा था, मूर्धा पढ़ा था, दंत पढ़ा था, ओष्ठ पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तारत्व के आधार पर। तारत्व में क्या होता है ये याद रखिए, इसमें एक शब्द याद रखिए, बहुत प्यारा शब्द है। पहले तो याद रखिए दो तरह के होते हैं, एक घोष होता है एक अघोष होता है, ठीक है। देखिए लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखिए एक घोष होता है प्लस दूसरा क्या है, एंड लगा लीजिए यहां पर, और दूसरा क्या है, अघोष होता है। घोष और अघोष ये दो होते हैं। अब एक बात बताइए, घोष को ही संघोष कहा जाता है, घोष को ही क्या कहा जाता है, चाहे घोष कहो चाहे संघोष कहो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइए, घोष संघोष एक ही है, ठीक है। तो घोष अघोष यहां पर याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है घोष या संघोष जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व पैदा होता है, या तारत्व माने क्या होता है, तारत्व माने होता है कंपन, क्या होता है, जिनके उच्चारण में कंपन पैदा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको घोष बोलते हैं। एक्चुअली में जो लोग कभी देखें, अगर आप बहुत बड़ा कोई बैंड लेके हो और उस पर अगर आप RSS में गए होंगे, उसको ज्वाइन किए होंगे, या उसका ITC OTC जो कार्यक्रम होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, अगर आपने उसके बारे में सुना होगा तो वहाँ पर घोष शब्द भी सुना होगा, घोष किया जाता है, ठीक है, और एक बजाया जाता है, ठीक है, वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, और वहां पर हम लोग सुनते हैं घोष, ठीक है। तो घोष में क्या होता है, कंपन पैदा होता है, कंपन, या कभी अगर गणतंत्र दिवस पे आप जाएंगे 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को जो परेड होता है वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी इस तरह के कंपन आपको दिख जाएंगे। जो कंपन जैसा होता है ना, वैसा ही कंपन यहां उच्चारण से पैदा होता है, ठीक है, वो कंपन अलग है, ये कंपन अलग है, मैं कंपन बता रहा हूं, उच्चारण से ऐसा कंपन पैदा होता है, और याद रखिए कहे जाते हैं घोष वर्ण। अब कौन कौन से होते हैं, याद रखिए क ख ग घ अंगा, ग घ अंगा, तो दोस्तों ये लास्ट के जो तीन होते हैं, तीन चार पांच, इनको क्या माना जाता है, इनको सघोष माना जाता है या घोष माना जाता है, संघोष या घोष माना जाता है, जो लास्ट के तीनों होते हैं, तीन चार पांच, यानी ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ ड, ध न, ब भ म, याद रखे इनको घोष वर्ण कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये जितने भी अंतस्थ वाले होते हैं, अंतस्थ में वो भी याद रखे, ह यहाँ पे याद रखिएगा, ह भी शामिल करिएगा, यर लव तो अंतस्थ होते हैं, और ह क्या था, ह आपका उफड़ व्यंजन में आता था, स ख स ह, तो वहां से ह को उठा के लेके आइए और ह को रख दीजिए यहाँ पर। अब एक अपवाद वाला क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम में, बस यहीं से पूछ देता है, लोगों को याद आता नहीं, लोग गलती कर देते हैं। यर लव तो क्या था, घोष था, ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसके साथ साथ ह जो है दोस्तों ये भी घोष में आता है, यह भी घोष में आता है, जबकि उफड़ व्यंजन है उसके बाद भी इसको कहां शामिल किया जाता है, घोष में शामिल किया जाता है, संघोष में शामिल किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो इसको ह को स्पेशली याद रखेगा। इसके अलावा प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होते हैं, घोष होते हैं, जितने स्वर होते हैं वो घोष होते हैं, जबकि अल्प प्राण महाप्राण में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी स्वर अल्प प्राण या महाप्राण में शामिल नहीं किया जाता है, कोई भी स्वर जो होते हैं, ठीक है, इनको स्वर में शामिल, सॉरी अल्प प्राण या महाप्राण में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन सभी स्वरों को घोष में शामिल किया जाता है, घोष यानी संघोष में शामिल किया जाता है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैंने क्या बताया, मैंने कहा तारत्व के आधार पर जिनका कंपन होता है उच्चारण में उनको घोष कहते हैं, लास्ट के जो तीनों है, तीन चार पांच कालम में, कैसे क ख को छोड़ दीजिए, ग घ अंगा, च छ को छोड़ दीजिए, ज झ इया, ट ठ को छोड़ दीजिए, ड ढ ड, इस तरह से जितने भी होते हैं म तक, उनको क्या कहा जाता है, उनको घोष कहा जाता है, समझ में आ रहा है, घोष वर्ण में आते हैं। और यर लव जो अंतस्थ व्यंजन है इनको भी घोष कहा जाता है, और साथ ही साथ ह अपवाद है, ह अपवाद है, ह अपवाद है, ह अपवाद है, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में यही आएगा, यही एग्जैक्ट यही आएगा, और आप यहीं पे गलती करोगे, मत करिएगा मेरे भाई, ठीक है। और स्वर जितने भी स्वर होते हैं इनको भी घोष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अघोष वर्ड क्या होता है,
अब सुनिएगा ध्यान से, अघोष वर्ण क्या होता है? तो जो स्टार्टिंग के थे ना क और ख वाले, यानी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ये जो था इनको अघोष कहा जाता है। इनके तारक में कंपन नहीं पैदा होता, न के बराबर होता नहीं होता है, इसलिए इनको कहा जाता है। तो पहला और दूसरा कारण याद रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो उफड़ व्यंजन होता है हमारा, उफड़ व्यंजन कौन सा? उफड़ मतलब जो गर्मी देता है। गर्मी कौन देता है? श स और ह, यहां पे मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि ह कहां चला गया है? ह हमारा संघोष हो चुका है, ह हमारा क्या है? संघोष वर्ण में आ चुका है, तो ह यहां पर नहीं रहेगा। ह को छोड़ करके स क्या होता है? अघोष होता है, अघोष होता है, अघोष होता है। बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है? एकदम अच्छे से पढ़ते चले, पूरी हिंदी याद करा दूंगा। केवल 40 से 45 लेक्चर में पूरी हिंदी आपको रटा दूंगा, ठीक है? आगे देखिए, वर्ड और उनके उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जहां पे आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। और कुछ मैंने हाईलाइट पॉइंट अपने तरफ से लगा रखे हैं जो आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप पढ़ते तो हो और पढ़ने के दौरान बहुत सारी चीजें आपको याद भी हो जाती हैं, लेकिन मुझे आपको याद क्या कराना है ना, जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है, कम जाता है, कम ध्यान देते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मैं सबको टारगेट करके बोल रहा हूं। देखो 2-4% लोग जो बहुत सीरियस हैं वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी के लोग जो ज्यादा संख्या में, उनकी बात कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ते हो हमेशा अघोष पढ़ते होंगे, लेकिन ह पे जो मैं अपना प्रेशर दे रहा हूं कि नहीं, ह को याद रखो, ह को छोड़ करके बाकी जो स ख स उफड़ व्यंजन है इनको अघोष कहा जाता है, ह को नहीं कहा जाता है। मैं उस पे प्रेशर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में क्वेश्चन वहीं से बनेगा, समझ रहे हैं? इसलिए आपको बता रहा हूं। अब यहां भी मैं बता रहा हूं, ये देखिए जितना भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ ना, ये वो चीजें जो आप नहीं पढ़ते हो, और व्हाइट वाली वो चीजें जो आप पढ़ते हो, जो आपको आता है। जैसे अभी कल ही पढ़ाया था कंठ वर्ड, जिनमें कंठ का इस्तेमाल किया जाता है, तो क ख ग घ ङ, ये कंठ में आ गया। ले आपने इतना पढ़ा, आपने इतना पढ़ा, और आपने क्या नहीं पढ़ा, अ और ह भी कंठ में आते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कौन सा कंठ ध्वनि है, आपके एग्जाम्पल में दे दिया ट ठ प और ह, बताइए ट ठ प ह, तो ह क्या होता है? ह जो होता है कंठ से निकलता है, ह कंठ से निकलता है। एक चीज और यहां पे जोड़ लीजिएगा, विसर्ग जो होता है दोस्तों, विसर्ग जानते हैं ना, विसर्ग 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 किसको कहते हैं? अह को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाया विसर्ग कहा जाता है। ये जो विसर्ग है ना दोस्तों, ये भी यही होता, तो यहीं से अह और अ और ह इन दोनों को ले लीजिए, ये दोनों ही कंठ वर्ड, इनका उच्चार स्थान क्या होता है? कंठ होता है, कंठ होता है इनका उच्चार स्थान, याद रहेगा। क ख ग घ ङ और अह, क ख ग घ ङ और अह, ये क्या होता है? ये कंठ वर्ड उच्चारण में इस्तेमाल किया जाता है। तालु वर्ड में क्या होता है? मैंने कहा था तालु में क्या होता है? आपकी जीभ आपके तालु को जाके छू लेगी। तालु क्या होता है? जो मुख का ऊपरी हिस्सा है, परत है अंदर का, ठीक है, वो तालु कहलाता है। बिना जीभ को हिलाए आप च छ ज झ इस तरह का कोई भी वर्ड मुख से बोल नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। बोलने के लिए जीभ को ऊपर जाना ही पड़ेगा, च छ ज झ इया, ठीक है? तो याद रखिएगा च छ ज झ इया, और साथ में ईस यज्ञ याद रखेगा। क्या यहां पे लाइंस लिख दिया हूं? ईस याद रखेगा, ई ईस यज्ञ, ठीक है? ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, एक सेकेंड। देखिए ये थे ई य स गया है ना, तो इसको लिख लीजिए ई स यज्ञ, ठीक है? तो आपको याद रहेगा ईस यज्ञ। ईस यज्ञ में क्या होता है? जितने भी दिए हुए हैं ये तालु में आते हैं, और ई स स में याद रखिएगा बड़ा वाला स है, प्लीज। जबकि ईस कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब याद करने के लिए आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ईस यज्ञ में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ईस यज्ञ मतलब च छ ज झ इया, ये आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप तुरंत सीना चौड़ा करके जाते हो, बताते हो हाँ च जो है ये तालु वर्ड है। और अगर पूछ दिया बताओ यह क्या है, बताओ यह क्या है, सर नहीं पता भूल गया, यह क्या नहीं पता सर, नहीं तू इतना नहीं करना है, यह क्या है ये भी तालु वर्ड है, श बड़ा वाला स बड़ा वाला स ये भी क्या है, भी तालु वर्ड है, ई स यज्ञ यज्ञ ये दोनों क्या है, ये सब तालु वर्ड है। समझ में आ रहा है? एकदम याद रखिएगा। मूर्धा में क्या होता है? आपकी जीज यो आपकी जो जिह्वा है वो योगा करती है, उल्टी होकर के जाकर के, मतलब उल्टा होकर के क्या करती है, तालु को छूती है, ट ठ ड ढ ड ट ठ ड ड, समझ रहे? ट ठ ड ड, तो याद रखिए ट ठ ड ड ड यहां पर क्या हो जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो री है र है श है, री र श,
री र स, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका मूर्धा हो जाएगा, याद रहेगा मूर्धा हो जाएगा। अभी इसको याद करने का एक और टेक्निक बताता हूं आपको, समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा। दंत में क्या होता है, जहां पर दंत का इस्तेमाल किया था, त था, ऐसे दोनों दांत को टच करके बोलिए, त था द ध न, त था द ध न, समझ रहे, तो त था द ध न और री और साथ में ल और स, छोटा वाला स, छोटा वाला स, समझ में आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला स तालू में चला गया, पेट फाड़ने वाला स कहाँ चला गया, मूर्धा में चला गया, और छोटा वाला स दंत पे आ गया। तो याद रखिए लि ल स, ये क्या हो जाता है, ये दंत हो जाता है। और ओष्ट में क्या होता है, तो प प ब भ म और ऊ, ऊ के लिए देखो ऊ ऊ गोल बन रहा है, तो याद रखिए आपके होठ जो है वो गोलाकार आकृति बना रहे हैं, वो अपना आकार दे रहे हैं कि आप ऊ शब्द का उच्चारण कर सकें। अब बिना होठ को हिलाए आप ऊ बोलिए, ऊ तो समझ में आएगा, ऊ बोलने का बोलने, ठीक है, तो याद रखिए, तो यहां पर ऊ हो जाएगा, समझ में आ गया। एक तो ये टेक्निक है दोस्तों, एक टेक्निक इसको याद करने की है कि क ख ग घ ङ, ठीक है, यहां तक आपको पता होता है, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, इतना तो आपको पता होता है, इसके आगे नहीं पता होता है। अब प फ ब भ म के बाद क्या आएगा, य र ल व स ख स ह, तो य देखिए कहां पर लाइन से है, य र ल, व को यहां पे नहीं रखा गया, य र ल व, ठीक है, य र ल व हटा दीजिए, व अलग आएगा क्योंकि उसमें दो दो मिक्स करके आती है आवाज, तो य र ल व को हटाइए, फिर स ख स और फिर ह ऊपर आ जाएगा, ठीक है, स ख स और नीचे वाले में जाकर ऊपर ह, स ख स ह, क्षत्रज्ञ में खाली ज्ञ यहां पे लेके चलना है, और अगर इधर आप बेसिक वाला लेके चलेंगे जो मूल होते हैं स्वर, अ ई उ और री, तो अ यहां पर, ई यहां पर, उ यहां पर, क्योंकि ओष्ट में आता है, री आपका मूर्धा हो जाएगा, तो री भी लेके चलिएगा, ये दंत होता है। ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ कंफ्यूजन और आपको मैं देता हूं। देखिए वर्ड उनके उच्चारण के स्थान पर कुछ चीजों को मिक्स करके भी आपको बनाया गया है, आपके लिए दिया गया, ठीक है, मिक्स में, जैसे जैसे याद रखिए यहां पर दंत और ओष्ट को मिला दिया जाता है, दंत और ओष्ट इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, दंतोष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, दंत धन ओष्ट, मतलब दांत, ओष्ट मतलब ओठ, दांत और ओठ, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो दंतोष्ट हो जाता है। य र ल व, व को नीचे आना था और व यहां पे आ गया और साथ में ओ, यानी जो ये आप ओठ का इस्तेमाल करो ये भी आ गया, तो याद रखिए व को क्या बोलते हैं, दंतोष्ट बोलते हैं। इसी तरह से ओ अ, इनको कंठोष्ट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आवाज आपके कंठ से आती है और इसके साथ साथ आपका जो होठ है वो भी आकृति देता है, बोलिए ओ ओ आओ, ओ आओ, समझ रहे हैं, तो आपका होठ जो है वो आकृति देता है ताकि आवाज ये उच्चारण आप कर सको, तो ये कंठोष्ट हो जाते हैं। ए ए कंठ आता है और तालु आता है, ए ए ए ए, ठीक है, तो तालु आता है, कंठ और तालु आता है। इसके अलावा जो छत्री वाला छ था उसमें भी कंठ ताल आता है, तो इनको दोस्तों कंठ तालव्य कहा जाता है, एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य कहा जाता है। दंत मूर्धा मतलब दांत और मूर्धा मतलब री उल्टा हो जाना, तो दंत मूर्धा में याद रखिए त्र आता है, जबकि मूर्धा में आपका क्या आता था, री आता था, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह से तालु मूर्धा में स्र आता है, क्षत्रज्ञ जो पढ़ा था ना, ई से यज्ञ, ठीक है, ई स बड़ा वाला य और ग ये वहां आते थे ताल में, और यहां पर क्या हो जाएगा, तालु मूर्धा हो जाएगा स्र, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नासिक मतलब जहां से नाक से आवाज आती है, अंगा इया अड़ा न, ये सब क्या होता है, और म म म बोलेंगे तो उसमें भी नाक से आवाज आती है, इसीलिए इनको नासिका कहा गया, या कहीं कहीं नासिक के लिखा होगा, क्या लिखा होगा, नासिक के लिखा होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है वर्ड रचना के लिए पर्याप्त है, अगर इतनी चीजें आप वर्ड रचना में पढ़ लिए तो आप जो है ज्यादातर क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है, हर एक चैप्टर पे हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि अच्छा प्रैक्टिस भी, ये सब प्रैक्टिस ही आपके ऐसे ही प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। तो अभी आपका मन कर रहा होगा सर कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दीजिए कि मैं अगर किसी से जाके पूछूं ना, हम लोग केबीसी खेलते हैं, ठीक है, और हम लोग यहां से हिंदी पढ़ने के बाद किसी अपने मित्र के पास जाते हैं और उससे जाके पूछते हैं, भैया आपको हिंदी में वर्ड चैप्टर तो आपको आता होगा, वो बोलेगा हाँ आता आता सब आता है, ठीक है, और उससे ऐसा क्या पूछ दे कि वो परेशान हो जाए, उससे ऐसा क्या पूछ दे कि वो परेशान हो जाए, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसा क्या है जो मैं पूछूं तो वो ना बता पाए। तो आइए कुछ ऐसे शब्दों पर बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने यहां लेकर रखा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना, तो ज्यादातर लोग यहां पे गलत ही करते हैं, सही कोई नहीं कर पाता, ठीक है। अब ऐसा क्या दिया गया है कि यहां पर लोग सही नहीं कर पाते हैं, चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कहानी।
दोस्तों यहां पर दे रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा है काकल्य वर्ड किसे कहते हैं, काकल्य वर्ड इसको दो नाम से जाना जाता है, एक काकल्य कहा जाता है, एक स्वर यंत्र मुखी वर्ड कहा जाता है। स्वर यंत्र मुखी वर्ड या काकल्य वर्ड किसे कहते हैं, जैसे कल मैंने पढ़ाया था शहीद वर्ड किसे कहते हैं, मैंने कहा अ को, क्यों अ सबके साथ आता है मान लो, इसीलिए अ को शहीद वर्ड कहा जाता है, पढ़ाया था ना कल, उसी तरह से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं काकल्य वर्ड किसे कहते हैं, बताइए काकल्य वर्ड या स्वर यंत्र मुखी, ठीक है, ये किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए, आपका उत्तर हो जाएगा ह, ह को काकल्य वर्ड कहते हैं। और ये ह दोस्तों इससे संबंधित बात करिए, अभी मैं पीछे बताया आपको ये अपवाद होता है, ये अघोष में नहीं आता है, जबकि अघोष में समस्त व्यंजन आते हैं, श ख स तीनों आते हैं, ठीक है, अघोष में, लेकिन ह वहां पर नहीं आता। ह कहां आता है, ह घोष में आता है, संघोष में आता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछता है वत्स्य वर्ण, वत्स्य वत्स्य वर्ण दिख रहा है ना आपको, वत्स्य वर्ण किसे कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए वत्स्य वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको रटना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। वत्स्य वर्ण किसको कहते हैं, जल रस, जल रस, जल रस ऐसा सेट किया जैसे ई से यज्ञ सेट किया था, वैसे यहां पर जल रस याद रखिए, ज ल र और स इनको वत्स्य वर्ण कहा जाता है, समझ रहे हैं, जल रस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये याद रखेगा जल रस। इसके अलावा दोस्तों स्पर्श संघर्षी वर्ण क्या किसे कहते हैं, दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो क से लेकर के म तक स्पर्शी व्यंजन थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं स्पर्श संघर्षी, कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम में ऐसे ही देता है, लोग गलत करके चले आते हैं। स्पर्श संघर्षी मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी मैंने पूछा, ये कौन कौन से होते हैं, ये जो आपका तालु वाला होता ना च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, ये संघर्ष के बाद निकलते हैं, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है च छ ज झ को, और खाली संघर्षी किसे कहा जाता है, श ख स को, देख तीनों जो स के प्रकार होते हैं, ह नहीं, ह नहीं, ह को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण कहा जाता है, स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहा जाता है, ह को यहां पे नहीं रखना है, यहां पे याद रखना है संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, तीनों स, स स स, एक बड़ा स, एक छोटा स, एक पेट फरवा स, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, ठीक है, तो इसका याद रखे पेट इसका फाड़ दिया गया, पेट फरवा इसको बोलते थे, तो याद रखे स ख स, ये जो तीनों है ये संघर्षी वर्ण कहे जाते हैं। और अगर स्पर्श संघर्षी लिख दिया, संघर्षी का एक शब्द जोड़ दिया स्पर्श, उत्तर बदल गया, च छ ज झ हो जाएगा, च छ ज झ इया नहीं, च छ ज झ, च छ ज झ, ये क्या हो जाता है, ये स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। अगर आपके मित्र ने बता भी दिया कि संघर्षी क्या है, तो अगला क्वेश्चन दाग दीजिए, तब बताओ अगर संघर्षी है तो स्पर्श संघर्षी क्या है, अब टेंशन में, अब टेंशन में, चलो और बताता हूं क्वेश्चन। दोस्तों विवृत वर्ण किसे कहते हैं, विवृत वर्ण किसे कहते हैं, आ, जिनको देखिए विवृत माने क्या होता है, विवृत का मतलब था मुंह का खुला होना, आ अ आ, पूरा होंठ खुल गया आ, अब इतना होंठ कहीं नहीं खुलता, पूरा स्वर व्यंजन में बताइए और कहीं पे आपका मुख इतना ज्यादा खुलता है जितना आ शब्द पे खुलता है, अ आ, समझ रहे हैं, तो याद रखेगा, तो इसको विवृत कहा जाता है, खुला हुआ, ये एक ही है वो भी कौन सा, आ। अच्छा अर्धविवृत किसे कहते हैं, जिसमें थोड़ा मुख खुलता हो, जैसे अ अ अ में नहीं अ अ, ठीक है, अ अ आ, और ये जो इंग्लिश से लिया गया शब्द था दोस्तों, मैंने बताया था आपको इंग्लिश वाला अ, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये अर्धविवृत वर्ण कहा जाता है, तीन है, लोगों को दो याद आता है तीसरा याद नहीं आता, क्यों, क्योंकि तीसरा हमारे स्वर व्यंजन में तो है नहीं, अरे ऐसा आपने तो कहीं पढ़ा नहीं होगा ना, ऐसा कहीं पढ़ा आ लिख करके चंद्र बिंदु भी नहीं, बस ऐसे है, ठीक है, बिंदी नहीं लगाया है, नहीं तो आ हो जाएगा, आ तो जो लिखा जाता है वो अलग होता है, यहाँ अ करना है आपको, ठीक है, अ, तो अ ऐसे करेंगे आवाज निकलेगा, तो याद रखेगा ये यहां पर आता है अर्धविवृत। अगला प्रश्न है दोस्तों सममृत किसे कहते हैं, किसे सममृत कहते हैं, सममृत किसे कहते हैं, तो याद रखिए इ उ याद रख रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको समवृत्त कहा जाता है, अर्ध समवृत्त किसे कहा जाता है, समवृत्त हो गया यहां पर दो होते हैं ए, सॉरी ए और ओ, ए और ओ को क्या बोलते हैं, अर्ध समवृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध समवृत्त बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा, चीजें आपको बेहतर ढंग से याद भी होंगी, और मेरा प्रयास यही है कि हर एक विषय पर मैं आपको इतनी पकड़ दे दूं कि आपको कोचिंग करने की कहीं जरूरत नहीं हो, आप कम से कम शिक्षा को
एग्जाम पास करने के लिए नहीं, अपने नॉलेज के लिए जिस दिन आपने ग्रहण करना शुरू कर दिया, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं कर पाएगा। जिस दिन उद्देश्य आपने कर लिया कि हमको सीखना है, ये क्लास ऐसी हिंदी की, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, मैंने इसके लिए कोई स्पेशली कैटेगराइज नहीं किया कि कौन सा बच्चा पढ़ेगा, ये किसके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों मैं होल हिंदी लेके चल रहा हूँ, पूरी हिंदी लेके चल रहा हूँ, भैया हमने हिंदी पढ़ लिया। अरे ये तो कोचिंग वालों का नक्शा होता है ना भाई, कि कोचिंग वाला अब जान रहे हैं कि रेलवे वाला बच्चा 5 से 8 हज़ार रुपये में दे सकता है, तो उसको उतना ही सिलेबस देना है, समझ रहे हैं। यूपीएसआई का बच्चा क्या कर सकता है, वो भी 5, 6, 7, 8 हज़ार दे सकता है, 25-30 हज़ार तो देगा नहीं, तो उसको उसी हिसाब से सिलेबस दे देना बना के, देखिए आपके सिलेबस में इतना ही आएगा। आयोग ने कुछ नहीं कहा, ये उन्होंने बना दिया, कैसे, अपने रुपए के आधार पर जितना फी लिया और उतने में कितना पढ़ाना है। सब थोड़े पढ़ाएंगे, तुम्हें सब पढ़ा देंगे तो बाकी क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम सब्जेक्ट पे पकड़ बना रहे हैं, अगर आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे होगी दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। एक बार आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस हमारे साथ खाली आप करते चलिएगा, निश्चित रूप से हिंदी में इतना धुरंधर बना दूंगा कि एक क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होगा। तो ये जो लगातार 40-45 लेक्चर हमारे आने वाले हैं, इन पे आप अपनी पकड़ बनाए रखिएगा, लगातार देखते रहिएगा, तभी आपको चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए आप सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट से जुड़िए जिसका नाम है study91.co.in, वहां पर हिंदी सेक्शन पे जाके क्लिक करिए, पहला चैप्टर आपको वर्ड रचना का मिलेगा, वहां जाकर प्रैक्टिस अपनी करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, फ्री में आपका एग्जाम सेट वहां पे पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, वहां पे जाके प्रैक्टिस करिए और बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप हमेशा सफल होंगे, बस ईमानदारी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ईमानदारी किसके लिए, अपने लिए, हम लोग तो जी जान लगा दिए हैं, अब आपको देख पा रहे होंगे कि अब डेली आपको आज से 6-6, 7-7 वीडियो पर डे आपको दिए जाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय यूट्यूब पर बिजी रहें, पढ़ने में बिजी रहें, पढ़ने में लगाएं, आपका एक एक घंटा एक एक पल आपका कीमती है, क्यों, क्योंकि ये गोल्डन चांस हमेशा कोई आपसे आगे निकल रहा है, एक कदम आपसे आगे निकल रहा है। वैकेंसी आती कितनी, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, और भर्ते कितने लोग हैं, फॉर्म पता चला 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। हर मिनट आपको पीछे करने के लिए एक बंदा खड़ा है, उस बंदे को पीछे करना हो ना, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, मुझे नींद नहीं आती ना, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, इसके लिए मेहनत करना आपका काम है। चलिए वीडियो ये समाप्त होता है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी शब्द रचना पर, ये तो हमने वर्ड रचना पर 2 लेक्चर दिया, केवल अक्षर के बारे में इतना पढ़ा दिया, अब हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाक्य के बारे में पढ़ा जाएगा, पूरी हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज इसका नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात आ गई याद, इस समय एक मूवी रिलीज हुई है और जबरदस्त मूवी है, साउथ की मूवी है, सिनेमा हॉल में लगी हुई है, और पढ़ाई के साथ साथ ना ये भी बहुत जरूरी होता है। कल तो मैं गया नाइट शो में देख के आया, और बहुत बहुत बेहतरीन मूवी है, अपने देश के लिए क्या गजब की मूवी, मतलब अल्टीमेट मूवी है, और मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मन की बात शेयर कर रहा हूँ, आप देखेंगे ना आपके अंदर भी ऐसा जज्बा आ जाएगा। आज पढ़ाने में थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा होगा कि सर बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं आज, और वो एनर्जी ना उसी मूवी से मिली है, ठीक है। तो एक बार आप मूवी देखिएगा, वो मूवी कोई पिक्चर नहीं है, वो मूवी बस जान लीजिए देश की स्थिति क्या थी, वो साझा किया गया उस मूवी में, गजब की मूवी है, नरसिम्हा रेड्डी या नरसिम्हा करके कुछ मूवी का नाम है, ठीक है, इस समय हॉल में लगी हुई है, और आप लोग जाके अगर देख सकते हैं तो देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आने वाली, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे परिवार हैं यार, कोई बात अगर अपने मन की बात आपसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे जाऊंगा शेयर करने, बताइए, दिन भर तो क्लास में रहता हूं, तो मेरा कोई हित मित्र है नहीं, ठीक है, बहुत लिमिटेड लोगों से दोस्ती यारी है, तो उनके साथ थोड़ा समय बिता लेता हूं, बाकी समय आपके साथ रहता हूं, तो हम तो अपनी बात आपसे ही शेयर करेंगे ना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।